दोस्तों, शुक्रिया अवामी वर्कर्स पार्टी के लाइव सेशन में हिस्सा लेने का। आज हमारे साथ WTF की मेंबर्स जोया रहमान और तूबा सैयद हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए ज्वाइन किया है। हमें लगा कि रिसेंटली ऑब्वियसली जो भी बातें हो रही हैं वो पैंडेमिक के हवाले से हो रही हैं। जो COVID-19 है उसकी वजह से काफ़ी जो इश्यूज पहले से सोसाइटी में मौजूद थे वो ज़रा उभर के बाहर आए हैं और ज़्यादा एक इंटेंसिटी से लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। तो हमें लगा कि इस पेंडेमिक की नज़र में हमें एक लाइव सीरीज शुरू करनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है द फ्यूचर ऑफ सर्वेलेंस इन केयर। इस पे बात करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि जैसे अभी भी हम कर रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन का प्राइमरी मॉडल बन गया है वो थ्रू द इंटरनेट है। वो ये जो मीडियम्स हैं जैसे यूट्यूब, गूगल या फिर ओपन सोर्स मीडियम्स जिससे हम स्ट्रीम कर रहे हैं, उनको ही इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एक ऐसी फिजा बन गई है कि ट्विटर जो है वो अब इंटेलेक्चुअल डिबेट का एक सेंटर लोग समझते हैं कि वो बन चुका है, और अच्छी बात है कि लोगों को वहाँ एक इंगेजमेंट का मौका भी मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम इस पे भी बात करें कि सर्वेलेंस क्या है, प्राइवेसी डेटा की इम्पोर्टेंट प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, और जो ये एक सिनर्जी बन रही है प्राइवेसी के और इन सर्वेलेंस के दरम्यान विद केयर केयर वर्क, उस पर भी थोड़ी बात की जाए, और फिर होपफुली इस गुफ्तगू के दौरान हम इसके फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकेंगे। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। बस छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और फिर होपफुली हम जोया के पास जाएंगे। सर्वेलेंस है क्या? ब्रॉडली स्पीकिंग, विदाउट गोइंग इन टू एनी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस, सर्वेलेंस इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और सर्वेलेंस की जो हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है। सर्वेलेंस कॉलोनियल पावर्स तक करती आई हैं। वो डेटा गैदर करती थी पर्टिकुलर ग्रुप्स पे, पर्टिकुलर एरियाज पे, दिखाने के लिए कि इनकी इंफीरियोरिटी या फिर इन पावर्स की सुपेरियोरिटी कैसे डेमोन्स्ट्रेट होती है और उनको जस्टिफाई करती है उनके एक्शंस। ये काम तब से होता आ रहा है और ऑल्दो अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा डिजिटाइज्ड है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नाउ यूजिंग द इंटरनेट और गोइंग टूवर्ड्स यूजिंग द इंटरनेट। तो इसका इस्तेमाल बढ़ गया है और जो इसकी कलेक्शन है उसको हम ब्रॉडली जो डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो दो हिस्सों में कर सकते हैं। एक है कलेक्शन बाय द स्टेट और दूसरी है कलेक्शन बाय कॉरपोरेशंस। सो यूजुअली जब हम सर्वेलेंस या डेटा गैदरिंग के बारे में सोचते हैं तो जो स्टेट कलेक्शन है वो तो ऑलमोस्ट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा समझा जाता है कि स्टेट का एक राइट है टू कलेक्ट डेटा ऑन इट्स सिटीजन्स, ताकि वो उनकी बेहतरी के लिए या फिर जो उनका काम है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स, टू प्रोटेक्ट देम, वो प्रोवाइड कर सकें। दूसरा है कलेक्शन बाय कॉरपोरेशंस। यूजुअली ये फ्रेम किया जाता है थ्रू मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट, और इसका यूज यूजुअली जो कॉरपोरेशंस देती हैं वो होता है कि एक कलेक्टिव गुड है, इससे आपके लिए भी आपकी भी बेहतरी होगी, आपको एडवर्टिजमेंट्स आपके मुताबिक मिलेंगे और आपको एक साइलो में डाला जाएगा जहां आपके आपकी सोच के मुताबिक आपको और चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। तो इस तरह ये चीजें फ्रेम की जाती हैं यूजुअली। आजकल क्योंकि डेटा पे काफी काम भी हो रहा है और जो डेटा की डिबेट है वो बढ़ इसलिए रही है क्योंकि ये भी बात हो रही है कि डेटा को इस्तेमाल किया जाए टू बैटल द पैंडेमिक। तो मुझे लगता है क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जोया ने रिसेंटली इस पे कुछ एक जबरदस्ती ट्विटर थ्रेड भी की थी और कहा था कि बहुत जरूरी है कि हम प्राइवेसी लॉज को समझें। तो जोया की तरफ चलते हैं और जोया होपफुली हमें बता सकेंगे प्राइवेसी लॉज के बारे में और इनका भी क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट सर्वेलेंस। जहाँ तक प्राइवेसी लॉज की बात है, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली राइट की बात करता है ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन और अदर पर्सन। और उसको अगर आप ब्रॉडली पढ़ें तो दैट कैन बी कंस्ट्रूड एज द राइट टू प्राइवेसी।
एंड उसमें बेसिकली मेरा जो ज़्यादा काम है वो तो राइट टू प्राइवेसी ऑनलाइन स्पेसेस में, मतलब मैं उस से देखती हूँ. अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड रहा है इन रिगार्ड्स टू द काइंड ऑफ लेजिस्लेशन दैट हैज़ कम फॉरवर्ड ड्यूरिंग द आई वुड से द पास्ट मे बी डेकेड, या चले 5-6 साल भी ले लें, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रो सर्वेलेंस लेजिस्लेशन इनैक्ट की है, विच इज एसेंशली उसका बेसिकली ये है कि सारी लेजिस्लेशन का पर्सपेक्टिव जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंश्राइन किया गया है. और यूजुअली जब आप सर्वेलेंस की भी बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, दो तीन प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको मद्देनजर रखने पड़ते हैं. एक तो ये कि इट नीड्स टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी, उसको मतलब उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ये बहुत ज़रूरी है एस्टैब्लिश करना. दूसरी बात ये है कि उसको प्रोपोर्शनेट होना ज़रूरी है कि जो मसला है अगर वो इतना बड़ा है, मतलब उसके हिसाब से आप सर्वेलेंस जो है उसके लिए मतलब अडॉप्ट करें. और तीसरी बात है कि लीगल लिजिटिमेसी होनी चाहिए कि एक्चुअली एक सिचुएशन है जिसमें आप सर्वेलेंस जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें इस कोई और हमारे पास चारा उसमें नहीं था. अनफॉर्चुनेटली जितनी भी अभी तक लेजिस्लेशन आई है, चाहे वो पीका हो जाए जो हमारा साइबर क्राइम्स बेसिकली एक्ट है, या अभी रिसेंटली जो ये ऑनलाइन हार्म ड्राफ्ट टूल्स आए हैं जो बेसिकली कंटेंट रेगुलेशन के हवाले से हैं, या अब जो एक ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, उन सब में नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव जो है वो तो मतलब काफी उस तरह से प्रोमिनेंट है, लेकिन जहां तक सिटीजन्स की प्रोटेक्शन है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू देयर राइट टू प्राइवेसी, वो आपको कोई उस तरह से नजर नहीं आती, और ना वो लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की के लिए वो एक प्रायोरिटी है. अभी भी पेंडेमिक में अगर हम देख लें तो मसला ये है कि जो अभी तक गवर्नमेंट ने मेजर्स भी लिए हैं, बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग ही उनकी नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से डेवलप हुई है, तो वो बेसिकली देर मेकिंग सिटीजन्स देर फोर्सिंग देम टू चूज बिटवीन प्राइवेसी एंड हेल्थ केयर और लाइक देर प्रोटेक्शन, मतलब देर नॉट सीइंग प्राइवेसी एज एन इशू जिसमें सिटीजन्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है. वो कह रहे हैं कि हम आपको नेशनल सिक्योरिटी एक सोल्यूशन के तौर पे देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो तो आप अपनी मतलब के लाइक प्राइवेसी इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव अप, वेयर इज ये कोई आइदर और सिचुएशन नहीं है. इसमें अब पूरे अगर आप दुनिया में देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड लोकेशन ट्रैकिंग सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, जिसमें बेसिकली वो जो वायरस कैरियर्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द कोई इंसान आया है या वो मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशन में गए हैं तो उनको वो ट्रैक कर पाए, ताकि वो और लोगों को भी इर्द गिर्द वॉर्न कर पाए. पाकिस्तान में भी सिमिलर ये चीज हुई है कि पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने डिजिटल पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उनके साथ कलेबरेट करके सिटीजन्स का प्राइवेट डेटा इस्तेमाल किया है, जिसमें अगेन वो वायरस कैरियर्स को ट्रैक करके जो उनके आसपास लोग होते हैं उनको वो थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस वार्न कर रहे हैं. अब ये नहीं पता कि उनके पास ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये इस डेटा के लिए उन्होंने कोई एसओपीज रखे हैं, कब तक होंगे वो ये डेटा रखेंगे, जिस तरह भी उन्होंने ये एक्वायर किया, बट दिस इज समथिंग दैट दे हैव बिन मतलब वेरी प्राउडली सॉर्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट, ये उनका इनिशिएटिव है, वेयर इज आई थिंक सिटीजन्स के लिए एक बहुत कंसर्निंग बात है कि उनका डेटा एक तो आया है लोगों के पास कैसे, और इस्तेमाल किस नोयत से हो रहा है, या मतलब किस किस्म के एसओपीज जो हैं इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं इन ऑर्डर फॉर दिस डेटा टू बी यूज, और डिलीट कब होगा, क्योंकि अगर आप डेटा इस्तेमाल किसी का कर रहे हैं तो आपके लिए उसके लिए एक लिमिटेशन पीरियड होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू डिलीट दैट डेटा आफ्टर अ सर्टेन टाइम, पर्टिकुलरली जब पब्लिक बॉडीज के पास ये डेटा होता है. तो अनफॉर्चुनेटली वाइल एक राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उस राइट का जो तस्वर है वो जो आगे लेजिस्लेशन आई है स्पेशली 2010s में, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मतलब नहीं किया जा रहा, एंड दैट शुड बी अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर सिटीजन्स अक्रॉस पाकिस्तान, पर्टिकुलरली वो लोग जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हैं. Yes, another thing to add to the many causes of concerns. I agree कि जो ये आपने define किया कि जो data इस्तेमाल हो रहा है इसकी actually कोई communication भी नहीं की गई, जो infringement upon their privacy, for example, using cell phone towers to determine people's locations, ये definitely problematic है.
और जहाँ तक अगर हिस्टोरिकली इस पे बात करें तो जब भी क्राइसिस के दौरान कोई लिबर्टीज या प्राइवेसी लॉज आपके इन्फ्रिंज होते हैं तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते, वो डेफिनेटली एक लाइक नॉर्म बन जाता है। तो थैंक यू जोया, वेलकम बैक टू यू। तूबा, आप इस पे भी काफी काम कर रही हैं, आपने कुछ रिसर्च भी इसके हवाले से की थी कि कैसे कुछ ममालिक इस पेंडेमिक के दौरान ये डेटा, जो डेटा गैदरिंग का अमल है या फिर एप्लीकेशंस के थ्रू सिटीजन लेड एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इस पे भी थोड़ा बात करें, गिव अस योर पर्सपेक्टिव ऑन सर्वेलेंस एज वेल। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब भी कोई पब्लिक हेल्थ पेंडेमिक आता है या इस तरह का कोई भी डिजीज जब फैलता है तो उस और स्पेशली जब वो नया होता है तो सर्वेलेंस हेल्थ केयर में सर्वेलेंस बहुत ही उसकी एक तरह से अहम और जरूरी भी हो जाती है राइट. व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस करंट पेंडेमिक इज दैट इट्स कम इन द इंफॉर्मेशन एज एंड इन अ वेरी यू कैन से लाइक नेटवर्क सोसाइटी. एक बहुत ही नेटवर्क सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन एज के अंदर एक पेंडेमिक आता है जिसके लिए आपको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी करनी है, डिजीज ट्रेसिंग भी करनी है और सर्वेलेंस भी करनी है उन स्टेट्स के अंदर जो ऑलरेडी शायद सर्वेलेंस स्टेट्स हैं मोस्ट ऑफ देम. जिनमें सबसे जो हमें पहला मुल्क जो चाइना का नजर आता है, वी ऑल नो कि चाइना के अंदर इंफॉर्मेशन जाना और चाइना से इंफॉर्मेशन बाहर आना बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं है. लेकिन चाइना के अपने पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होना इज अ नॉर्म. उस स्टेट के पास हमेशा से अपने सिटीजन्स के बारे में बहुत सी मालूमात होती हैं. सो द वे चाइना डेल्ट विद इट वाज ऑब्वियसली अथॉरिटेरियन बिकॉज दे ऑलरेडी कंट्रोल अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनिपुलेट विद पीपल्स इंफॉर्मेशन एंड डू द लॉकडाउन एंड यू नो ब्रिंग इन टू प्लेस. वाइल देयर अदर कंट्रीज जिनका बहुत ही बॉटम अप इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो था तरीका रहा, जैसे कि उसमें ताइवान, सिंगापुर, मेनी अदर कंट्रीज कम इन दैट. एंड वी ऑल्सो सी के इसके अंदर बात हेल्थ की हो रही है, इट्स सो एलियनेटिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड राइट्स एंड लाइफ व्हाइल एट द सेम टाइम यू आर निगेटिंग द यू नो द प्राइवेसी लॉज, यू आर निगेटिंग व्हाट द इंडिविजुअल के जो अपने कंसर्न्स होते हैं वो क्या किस तरह से उसके अंदर जा रहा है. ऑल्सो समथिंग विच आई हैव बिन थिंकिंग अ लॉट अबाउट इज हाउ द सर्वेलेंस जो कि पहले सिर्फ आपकी लोकेशन तक मुख्तस थी, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वहां से सर्वेलेंस अब बढ़ चुकी है अंडर द स्किन सर्वेलेंस राइट. सो नाउ एन बायोमेट्रिक जब आप कर रहे हो, ये सेंसर्स जो आपको नजर आ रहा होगा कि इन द गुड ओल्ड मेडिकल वर्ल्ड थर्मोमीटर्स वर नॉट डिजिटल, दे वर नॉट सेंसर्स, एटलीस्ट अगर डिजिटल हो भी जाते थे. अब आपका टेम्परेचर सेंसर से लिया जाता है, विच मीन्स वट हैपन्स अंडर योर स्किन नाउ वी कैन फाइंड आउट. एंड द इन यू नो वैन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, आई वुडन्ट बी सरप्राइज इफ आफ्टर सम टाइम हम कैसा महसूस कर रहे हैं ये हमारा माउस पैड ही बता देगा अगलों को, कोई भी लिंक देख के, कोई भी चीज देख के. एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्केरी. और साथ साथ ये भी यू नो वन थिंग विच आई हैव नोटिस इज दैट हाउ मार्केट हाउ हेल्थ नीड्स आर नॉट नॉट बीइंग जज्ड अपॉन के कम्युनिटी की हेल्थ नीड्स क्या हैं, कम्युनिटी का हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर इस वक्त क्या है, बल्कि इस तरह से कि टेक्नोलॉजी मार्केट और स्टेट किस तरह से सर्वेल करना चाहती हैं. जैसे अभी नजर आते हैं कि गूगल एंड एप्पल केम अप विद एन एपीआई जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि ये ब्लूटूथ के जरिए हो, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त एक फर्क है. हर मुल्क अपने अपने तरीके से डील करना चाह रहा है कि कैसे डिजीज सर्वेलेंस हो राइट. इन द सेम टाइम फ्रेंच गवर्नमेंट का जो एप्पल के साथ इस वक्त टसल चल रहा है वो ये है कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एप्स बन रही हैं उसमें क्या ब्लूटूथ यूज करेंगे या द गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट वांट्स द जीपीएस सॉल्यूशन, इट डजंट वांट ब्लूटूथ सॉल्यूशन कि आपकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वैसे हो. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे जो डिसीजन है आर बीइंग मेड बाय दोज बाय द मार्केट, द डिसीजन इज नॉट बीइंग मेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अबाउट हाउ द डिजीज शुड बी सर्वेल्ड and also by the state. So this is very interesting ke state ki priorities bhi nazar aati aur market ki bhi. Now Apple is resisting that move by the French government, not necessarily because it cares for the data of the people, but because what is Apple's incentive for doing it? Apple doesn't have an incentive, and this is the you know the logic of the market. So ye and uske sath sath I think What I'm really concerned about कि जिसमें अरुंधति रॉय ने aptly describe किया कुछ दिन पहले अपने लेक्चर में कि अगर इससे पहले हम स्लीप वॉक कर रहे थे एक स्टेट सर्वेलेंस में, सो ड्यूरिंग द पेंडेमिक वी आर पैनिक रनिंग इनटू इट एंड या दैट्स वेयर आई वुड एंड इट.
Go ahead, go ahead. I also want to sort of talk about like states of emergency when, again, surveillance is justified because the situation warrants it. For instance, APS attacks hoye the, the government ne national action plan banaya tha. Uske baad, by the way, PIKA bhi aaya tha, jispe unne kaha tha ki this is absolutely necessary in order for us to protect the people. So this idea of protection becomes very sort of almost like very masculinist, very militaristic, very, again, national security oriented, and it does not, it's very much like it's not about care, right? Like it's not about personal care, it's not about matlab taking care of people jo hamari care economy ka part hain. And usme ab matlab again 2010s mein, because we digital age mein, jaisa Tuba ne kaha ke ye matlab emergency situations humne aate hue dekhi hain, to usme fir invasive digital technologies ka istemal karna jo hai wo governments ke liye ek priority ban jata hai abhi bhi. Matlab iske alawa jo mujhe ek cheez ka dar lagta hai, obviously because jab hum सर्वेलेंस की बात करते हैं तो एक सेल्फ सर्वेलेंस का भी एलिमेंट होता है, विच वी हैव टू कीप इन माइंड, एंड यही फिर गवर्नमेंट्स भी जो हैं मजीद इसको इंकरेज करती हैं. तो जिस तरह इनका ये जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए इतने पैसे जो खर्चे गए रिसेंटली, अब उसमें भी अगर आप उनके मतलब पढ़ें जो मतलब SOPs हैं, उसमें बेसिकली जो आप लोग रिक्रूट कर रहे हैं उनको आप ये भी कह रहे हैं कि यू यू ट्रैक एंड मॉनिटर अदर पीपल. मतलब आप बेसिकली इर्द गिर्द आप बताएं कि अगर किसी को कोरोना वायरस है, विच आई फाइंड एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज बेसिकली आप अपना जो स्टेट का काम है वो, या जो आप मतलब जो आप वैसे ही मतलब पुलिस को काम दे रहे हैं, मिलिट्रीज को काम दे रहे हैं, वो मतलब यू आर मेकिंग पीपल डू द डर्टी वर्क ऑफ द स्टेट. उसके अलावा ऑब्वियसली बिकॉज पुलिस और मिलिट्री की प्रेजेंस भी बढ़ाने मतलब ये लोग जस्टिफाई करते हैं. तो आई एम जस्ट वरीड कि ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज नॉट ओनली बिकमिंग द न्यू नॉर्मल, बट ऑल्सो कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं मतलब दे विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट. लाइक दिस विल बिकम, दिस इज, दिस कुड बी आवर फ्यूचर, बिकॉज अगेन देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड सेट, एंड वी नीड टू कॉन्स्टेंटली सॉर्ट ऑफ इन आई गेस लाइक रीइंस्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ केयर, एंड सॉर्ट ऑफ रिमाइंड द गवर्नमेंट दैट अगेन लाइक केयरिंग फॉर देयर पीपल डज नॉट इन्वॉल्व लाइक सर्वेलिंग ऑन देयर पीपल और लाइक एनी काइंड ऑफ आई गेस लाइक प्यूनिटिव या कार्सरल सॉल्यूशंस. ये चीजें भी काफी जरूरी हैं दैट आई थिंक लाइक एटलीस्ट लाइक ऑर्गेनाइजर्स लाइक एट द ग्रास रूट्स लेवल लाइक नीड टू बेयर इन माइंड व्हेन यू नो. एंड अगेन लाइक ये जो मतलब जैसा ये टाइगर फोर्स होगी, लाइक ये काम भी जो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड लोग कर रहे हैं, जो मतलब रिलीफ कैंपेन्स चले हुए हैं या कोरोना मतलब क्या कहते हैं कि वायरस के जो मतलब लोग जो राशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका काम भी एक तरह डाइल्यूट कर रहा है कि आप एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो बेसिकली मतलब अगेंस्ट स्टेट का काम कर रही है. So these are maybe trends that we need to actively shun because I think ye hamara future jo hai bahut negatively aage ja ke define kar sakte hain, they could have like very strong implications. Theek, actually very interesting thoughts. Tiger Force wali mere liye thodi unexpected thi, but it's true. I think when you talk about ye grassroots level pe on the ground surveillance happening as well, तो ये सॉर्ट ऑफ जो आप कह रही है ना कि ये मैस्कुलिन स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल्स को एक सॉर्ट ऑफ हायरार्की में भी डाल देता है, वेयर दे थिंक दैट नाउ दे आर द रिस्पॉन्सिबल फोक फॉर डिटरमिनिंग हु शुड बी इन व्हाट विसिनिटी. दैट्स क्वाइट प्रॉब्लमैटिक. तूबा ने जहां तक बात की, आई वुड लाइक टू थोड़ा इस पे एक्सपैंड करूं मैं कि जो द केपेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू परहैप्स डिटरमिन आवर इमोशंस और फ्यूचर एक्शंस. तो एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग बात है जो इस पेंडेमिक के थ्रू भी बाहर आई है, और अगर आप वैसे डेटा या प्राइवेसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि जिन जिन मामलात की हम अभी बात कर रहे हैं, जो जो ट्रेसिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, चाहे वो आपके फोन्स के थ्रू हो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से मौजूद है. तो ये पेंडेमिक के आने की वजह से एकदम से ऐसे तो नहीं हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नीड आई. सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की अब यूटिलिटी पे बात आ गई है. सो दैट एग्जैक्टली गोज बैक टू आवर इनिशियल पॉइंट अबाउट हाउ जो डेटा की गैदरिंग है या जो कलेक्शन है ऑफ डेटा, ये सॉर्ट ऑफ समझा जाता है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है. इसमें आप जब स्टेट के एक लाइक पार्टिसिपेंट हैं, तो आपने ये अपना राइट पैसे ही फोरगो कर दिया, और
ये जो उसके बाद जस्टिफिकेशंस आती हैं, फॉर एग्जांपल ये सिक्योरिटी के मामलात के लिए हो या जो भी, दोज आर जस्ट जस्टिफिकेशंस. दे आर ऑल्सो नॉट समथिंग के द स्टेट इवन नीड्स टू टॉक टू पीपल अबाउट. और ऐसे ही होता है, अथॉरिटेरियन स्टेट्स तो आपसे पूछताछ भी नहीं करती. जहां तक लिबरल स्टेट्स हैं या ग्लोबल नॉर्थ की स्टेट्स हैं, तो वो किसी पेट्रियट एक्ट के पीछे इन चीजों को डिफाइन कर देती हैं. बट इट्स आई थिंक इस मरहले पे आने पे अब जरूरी है कि हम ये रिकग्नाइज करें कि हमारी जो ज्यादातर गुफ्तगू होती है वो होती है प्राइवेसी की जो होती है वो ज्यादातर इंडिविजुअल बेस्ड होती है. सो वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी को आप प्रोटेक्ट करें. इंडिविजुअल से आप पूछें कि वो क्या आप उससे ले सकते हैं, कितने टाइम के लिए ले सकते हैं और इसका क्या इस्तेमाल करें. यूजली जो डेटा की डिबेट्स हैं, चाहे वो ईयू में हो, चाहे वो स्टेट्स में हो, या फिर अगर यहाँ कोई डिबेट हो भी, तो वो इसी पैराडाइम के अंदर होती है. इंटरेस्टिंगली इनफ, इन सारी जगहों पे जो कलेक्टिव डेटा है या जो कम्युनल डेटा है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये तो किसी प्राइवेसी पे इन्फ्रिंज कर ही नहीं सकता. और इसकी वजह ये है कि ये अनोनिमस है. सो द अनोनिमिटी ऑफ द डेटा इज शोन एज न्यूट्रल. अब ये जो जंप है ना, कि ये न्यूट्रलिटी पे जाना फ्रॉम अनोनिमिटी, ये एक्चुअली एक बड़ा डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. एनोनिमिटी इज नॉट द सेम थिंग एज न्यूट्रलिटी. जब हम बात करते हैं ये जो कम्युनल डेटा की, तो ये इसकी एक हिस्ट्री है ऑफ बिग डेटा, लेट्स कॉल इट बिग डेटा. बिग डेटा की एक हिस्ट्री है कि वो रेशलाइज्ड या किसी भी हायरार्की में ऑपरेट करता है. देयर इज समवन ऑपरेटिंग दीज डेटास, कैटेगराइजिंग दीज डेटास, जो इन जो सर्वेलेंस की या बिग डेटा की टैक्सोनॉमीज हैं या फिर इसकी कैटेगरीज हैं, दोज एग्जिस्ट बिकॉज समवन डिटरमाइंड कि इस कैटेगरी में इस चीज को जाना चाहिए. एंड वंस दैट हैपेंस, उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज हैं फॉर दैट डेटा टू बी रेशलाइज्ड, टू बी यूज फॉर एथनिक पर्पसेज, टू बी यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेज आर इनक्रेडिबल. और ये मतलब आप इस डेटा से लोगों के फ्यूचर एक्शंस डिटरमिन कर सकते हैं, उनकी हेल्थ आउटकम्स डिटरमिन कर सकते हैं, उनके एक्सपेक्टेड इमोशंस भी आप डिटरमिन कर सकते हैं. तो ये दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. आई थिंक इससे ही जो, अब क्योंकि हम फ्यूचर की तरफ भी जा रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू कम बैक टू तुबा. तुबा, आप जरा एक तो अपना इस पे भी पर्सपेक्टिव दें कि जो ये कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ में हो, तो उनका क्या किसी को, लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है यू थिंक? जैसे सिंगापुर जैसे ममालिक में शुरू में या ताइवान में उन्होंने इस गैदरिंग को सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज रखा, उसका कोई बेनिफिट हुआ? और दूसरा, प्लीज हमारे लिए अब डिफाइन करें कि केयर वर्क होता क्या है, केयर वर्क के अंदर कौन कौन आता है, एंड देन होपफुली वी गो टू जोया टू एक्सपेंड ऑन दिस. राइट. एक तो आई थिंक जो जो आप बात कर रहे हैं, देयर इज नेवर, ये पॉसिबिलिटीज तो सिर्फ तभी है ना कि लोग डेटा जो आप शेयर करने की बात कर रहे हैं वो तभी होता है व्हेन देयर इज डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन प्लेस. फॉर एग्जांपल इट हैपन, एंड जैसे आप ये बात कर रहे थे कि डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, तो इस तरह का भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो कि डेमोक्रेटिक हो, जो कि नॉन अथॉरिटेरियन हो, उसके लिए भी स्ट्रक्चर्स हैव टू बी ऑलरेडी देयर. Right, in for example, in a country like Taiwan, they have an entire virtual, वी ताइवान के नाम से उनका एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर उनके हैकाथॉन्स भी होते हैं, जिसके ऊपर उनकी डेटा शेयरिंग वैसे भी होती है, उनकी जो पब्लिक पॉलिसी है उस पर भी बात होती है. सो उधर से ये चीज़ें फिर वो आगे लेके जाते हैं. एंड ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट द पॉपुलेशन इन जनरल इन ताइवान, उनकी जो जितनी टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है और जितना हाई टेक द इंटायर कंट्री इज, हाउ वेल वर्स्ड देयर विद टेक्नोलॉजी इज नॉट समथिंग विच आर गवर्नमेंट्स हैव अलाउड फॉर अस. हमें उधर ही तक टेक्नोलॉजी से हमारा राबता है जहां तक हमसे डेटा लिया जा सके. अभी भी जो हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी कंप्लेंट जैसे डॉक्टर्स की आ रही है कि पीपीई नहीं है. राइट, इन अ कंट्री वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज नॉर्मल, नॉट जस्ट फॉर द स्टेट बट ऑल्सो फॉर द पीपल, वी वुड नो
गिवन आई राइट टू इन्फॉर्मेशन कि कितना इन्होंने ले लिया है सामान पीपीई, कहाँ पे पड़ा है, कब मिलेगा, कितना और आएगा, कहाँ से आ रहा है. नन ऑफ दैट डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड टू द पीपल, नॉट इवन द हेल्थ केयर अथॉरिटीज, प्रीटी श्योर नॉट इवन द एडवाइजर. ये एनडीएमए खुद ही सब कुछ किसी ना किसी लेवल पे शायद कर रहा होगा, राइट. तो हमारे जैसे मुल्कों में तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीज ही नहीं है. इसको तो कोई राइट कंसिडर भी नहीं किया जाता कि अवाम का भी एक राइट टू इंफॉर्मेशन होता है. उसके साथ साथ जो आपने सवाल किया अबाउट केयर वर्क, मुझे लगता है कि केयर वर्क में वो सारे काम आ जाते हैं जो कि मेंटेनेंस और या फिर जिंदगी के बनने और उसके चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, इंक्लूडिंग सोशल बॉन्ड्स, केयर वर्क, सोशल रिप्रोडक्शन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम टुगेदर, जिसमें आपका यू नो पैदा करने का अमल, बच्चों को बड़ा करने का अमल, नर्चरिंग के जितने भी प्रोसेस हैं वो सब आ जाते हैं. अब क्या है तो ये जेंडर्ड, बट इन द सेम इट केयर वर्क इज जेंडर्ड. ज़्यादातर औरतों का काम है कि वो ख्याल रखें, ज़्यादातर औरतों का काम है कि वो पालें, बड़ा करें. लेकिन इसके साथ साथ ये इसमें बहुत से मर्द भी केयर वर्क करते हैं, जिनमें हमें डॉक्टर्स नज़र आते हैं, जिनमें हमें और बहुत से इस तरह से शोभा जाती चीज़ें नज़र आती हैं, हमें सैनिटेशन वर्कर्स नज़र आते हैं. है तो वो सफाई का काम, जाहिर है क्या सफाई से होता है, सिर्फ हमें तो ये बताया जाता है कि शहर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सफाई का जो काम होता है वो बेसिकली है तो केयर वर्क, राइट. उसमें आपको एक बहुत बड़ी, और हमेशा इस केयर वर्क के अंदर ना सिर्फ औरतें, पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो कौन सफाई करता है, वो लोग एक खास कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो लोग एक खास मजहब से बिलोंग करते हैं, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है. सो केयर वर्क को हमेशा से जेंडर तो किया गया, लेकिन इसको हमेशा रेलिगेट किया गया कि अच्छा ये छोटा काम है, इस पे छोटे लोग काम करेंगे और इसके कम पैसे मिलेंगे, राइट. सो ये इस तरह से क्या हुआ को हमेशा देखा गया. अभी भी जब हमें डॉक्टर्स नजर आते हैं कि वो पीपीई डिमांड करें, डॉक्टर्स क्या करते हैं, सेंट्रली केयर प्रोवाइड करते हैं, राइट. जबकि सोल्जर्स जब अगर मांगे कि हमें अभी हम अपना पूरा बजट 80% ऑफ आवर बजट परहैप्स जो कि चला जाता है डिफेंस में, उसके ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि सवाल तो आप उठा ही नहीं सकते, ये ज़रूरी है. हमारे जोया ने बात की सिक्योरिटी पे, बहुत बेहतरीन के सिक्योरिटी के नाम पे हमेशा आपको राइट्स वाली बात में एक सिक्योरिटी स्टेट, सर्वेलेंस स्टेट के अंदर आपको चुप करा दिया जाता है कि ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें. उसी तरह जब सोल्जर मांगते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है. डॉक्टर्स इफ दे डिमांड पीपीई, they are demonized. One reason for that is that the care work is undervalued. Care work is a gift, care work is a duty, care work is love. The only thing care work nahi hai is labor and work. Khayal rakhne ko kaam aur mehnat nahi samjha jata, usko pyar samjha jata hai, usko aapki duty, ye sab kuch samjha jata hai. To aaj bhi jab doctors ne manga ki hame dijiye PPEs, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं. सो यू नो तो केयर वर्क इज नॉट जस्ट जेंडर्ड एंड लिमिटेड टू सम मार्जिनलाइज्ड पीपल, बट इट्स आल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कि कौन से इंस्टीट्यूशंस एक स्टेट के अंदर केयर प्रोवाइड करेंगे और कौन से इंस्टीट्यूशंस विल ऑलवेज बी रैशनल एंड नॉट इंगेज इन द फेमिनिन ड्यूटी ऑफ द केयर वर्क लाइक द कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री. जैसे लाहौर हाईकोर्ट ने प्रूव किया कि केयर का काम उनका नहीं है, वो डॉक्टरों को ये बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप जाके अपना काम करें, आपकी ड्यूटी है ये, केयर इज देयर ड्यूटी, उस केयर के बदले में उन्हें क्या मिलना है क्या नहीं, दैट डजंट मैटर. एंड दिस इज द लॉजिक ऑफ अ कैपिटलिस्ट स्टेट. Capitalism does not center social reproduction, and that's why we see a crisis of care in the 21st century, especially in regards to abhi jo pandemic aaya usne aur visible kar diya ye crisis hamare samne, hamare healthcare system ko bilkul dikha diya ki this is how we look at it. And I would like Zoya to build more on this and share, and then we can talk more. I mean, you've already made some really, really good points about the sort of devaluation of care work. One thing that I would also like to add is how there are forms of care work, or there are forms of, I guess, care and emotion that are very much at stake because of this pandemic. Because jo aap offline spaces mein ek solace or sucker provide kar sakte hain, particularly I think like I would include like even feminist spaces in this, right? I would include progressive spaces in this. Jo aap ek solace provide karte hain to your comrades, to like other women, you know, to other people, you know, like wo aap
मतलब दैट्स वेरी मच एट स्टेक बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज बीन आस्क्ड टू स्टे एट होम एंड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक आर एक्सपीरियंसिंग इवन मोर प्रिकैरिटी. लाइक अब लोग घरों में भी प्रिकैरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सोशो इकोनॉमिक प्रिकैरिटी तो है ही है, लेकिन वही है कि अगेन इसी प्रिकैरिटी का सोल्यूशन किसी मिलिटरिस्टिक इंटरवेंशन में या किसी प्यूरिटिव इंटरवेंशन में या जो नेशनल हेल्थ का नैरेटिव है उसमें नहीं है. इसका सोल्यूशन जो है वो इसी चीज में है कि हम कंसेप्चुअली एटलीस्ट एक रीइंसर्शन जो है करें ऑफ केयर एंड इमोशन इनटू लाइक आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज. एंड फॉर दैट वी नीड टू ऑल्सो सी लाइक नाउ दैट आर स्पेसेज एट द ग्रास रूट्स लेवल आर कॉम्प्रोमाइज्ड एंड वेल at the moment like not like non-existent because a lot of the work that we're doing has moved online. Like who does this make like matlab kisko zyada precarity mein leke aati hai cheez, like ye hame dekhna hai. And I think uski wajah bhi yahi hai ki ultimately because ye bhi kaam kisi ko zaruri nahi lagta, like care work kyunki kisi ko zaruri nahi lagta, like Tuba has said. So I mean I think that like not only like care work itself jisme aap matlab obviously like ek कम्यूनल मतलब उस से देखते हैं कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गई, नर्सेस हो गई, इवन मतलब जो घर में होम मेकर्स हो गई, लाइक उनका काम स्टेक पे है. बट ऑल्सो जो आप कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं लाइक दैट काइंड ऑफ वर्क इज वेरी मच एट स्टेक ऑल्सो. एंड जहाँ तक स्पेशल मैनेजमेंट की भी बात है, जहाँ तक अपनी स्पेसिस भी होन करते हैं, क्योंकि मतलब मैं पर्सनली समबडी हु हैज बिन क्रिटिकिंग लाइक लीगल रिस्पॉन्सेज एंड लाइक स्टेट रिस्पॉन्सेज सिंस लाइक मेनी ईयर्स नाउ. लाइक आई डोंट रियली मतलब आई डोंट लुक टूवर्ड्स द स्टेट व्हेन इट कम्स टू लाइक ऑफरिंग सॉल्यूशंस टू लाइक डेली इनजस्टिसेस. लाइक आई थिंक अबाउट लाइक द कम्युनिटीज दैट वी फॉस्टर एंड लाइक व्हाट वी प्रोवाइड टू ईच अदर. सो आई मीन आपका लाइक सॉल्यूशन शुड नॉट बी लाइक व्हेन आई थिंक ऑफ आई डोंट नो लाइक सिक्योरिटी लाइक और एटलीस्ट केयर, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक ऑफ लाइक द पुलिस और द मिलिट्री और द गवर्नमेंट बिकॉज दैट मेक्स मी फील इवन more precarious because that becomes a very important part of like how spaces are managed now that like feminist communities or progressive communities are not like available at the grassroots level. So ye bhi thoda sa matlab mujhe ek idea like bother karta hai ki ye jo ek absence hai hamari, like again because that absence is being sort of filled by government responses or state responses, like that's also like really disrupting how we used to manage our spaces and how we used to sort of insert care into the spaces where we were that we were resisting but also kind of reshaping. Yeah, so these are things like that I guess maybe think about on, like on my own. And I mean it really disturbs me ke jo hamare matlab spaces jinko hum reform kar rahe the wo kaam bhi ab bilkul ek standstill pe aa chuka hai because wo at least offline nahi hai. Tuba, you wanted to jump in? Sorry. Yes, just Zoya jahan pe baat kar rahi thi usi ke bare mein, you know this this crisis of care jahan pe security does not count, food security is not considered part of the security people need. उसको कंसिडर इस पूरे पैराडाइम में नहीं किया जाता. प्राइवेटाइज कर दिया जाता है केयर को, कमोडिफाई कर दिया जाता है. अभी द वन थिंग वी सी इज यू नो व्हाट द कमोडिफिकेशन ऑफ केयर एंड हेल्थ केयर हैज डन फॉर अस इज दैट देयर आर नॉट इनफ वेंटिलेटर्स. देयर इज नॉट इनफ वेंटिलेटर्स बिकॉज वेंटिलेटर्स एंड केयर लाइफ सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं एंड दे आर नॉट मनी जनरेटिंग. आई एम प्रीटी श्योर वी प्रॉब्ली एट दिस पॉइंट हैव मोर यू नो machines related to beauty and cosmetic industry in Pakistan than ventilators. Pretty sure dermatologists are much more well equipped than let's say trauma centers in this country. And this is what is the, you know, the logic of the market, the crisis of care, which is structural in a capitalist society, jahan pe aapko nazar aata hai ki is in cheezon ka koi bhi khayal nahi hai. Abhi is pandemic mein something I heard just this morning where a child was killed
because she was making too much noise at the home. A man killed her. So that also, you know, that also tells us what this pandemic is doing. At the same time, you see an increase in domestic violence in the country, but the health care is limited. You know, health is not being seen as a right to life, but rather seen as, okay, what the state can provide. And in this approach, like, state is not looking at the increasing domestic violence. And now us pe koi data ki baat ho rahi hai, na us pe koi protection ki baat ho rahi hai, na koi laws pass karne ki baat ho rahi hai. In emergency times mein, jab ke hamare privacy laws ko completely demolish kiya ja raha hai, hamari, you know, hame trace tracking ho rahi hai, tracing ho rahi hai, us waqt ke andar, जहाँ पे असल में लोगों को जहाँ पे उसी के साथ साथ जो डैमेज हो रहा है उसको नहीं देखा जा रहा. मेंटल हेल्थ का जो इस वक्त यू नो क्राइसिस है उसके ऊपर गौर नहीं किया जा रहा. देयर हैव बीन मल्टीपल सुसाइड विद इन पाकिस्तान इन द पास्ट फ्यू डेज डायरेक्टली ड्यू टू कोरोना वायरस एट टाइम्स एंड इनडायरेक्टली समटाइम्स. कि जहाँ पे लोगों को लगा उन्हें कोरोना वायरस है तो उन्होंने खुद को जाके मार दिया. बट ऑल्सो अ केस वेयर अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू ड्रग्स went ahead and killed themselves because they were in isolation and they couldn't get to, you know, get access to their drugs. And we see it again and again, like even beyond the pandemic, if you look at it, hame baar baar nazar aata hai ki these struggles for basic incomes, these struggles for housing, for clean water, for, you know, for better hospitals, for childcare centers, for environmental degradation, for water, for sanitations, all these struggles basically tell you about the crisis of care, where we need a new way to, you know, reorganize how social reproduction is done in our society. Aur in sirf ye farak hai ki in struggles ko shayad hum ye nahi kehte ki ye crisis of care ki wajah se ye new ways of organizing of social you know social reproduction ki organizing ki baat kar rahe hain, par essentially to yehi wahi hai. Auraton ki strikes hogi duniya bhar mein, healthcare workers ki strikes hogi, domestic workers ki strikes hogi, increasing domestic violence. This is all indicative of, you know, a crisis of care. And so is this virus, where we failed to care what we're doing to this world and what this world will end up doing to us. Sorry, I would also like to just add to like what Tuba is saying, and I guess what I was trying to articulate earlier, ke the world is being kind of reinstated and reimagined in a very sort of troubling manner, where again our responses are becoming, or I wouldn't say collective responses, but at least like jo state hamare upar impose kar raha responses, like wo bahut hi again jo pehle se karta aa raha hai, jaisa Shahzeb ne kaha ke militaristic matlab unki outlook hai, like ek imperial militaristic masculinist sort of reinstation I guess hai, jiski wajah se I think log bhi matlab people are vulnerable to being mobilized to not be empathetic, to actually like not care, and to sort of shun emotion, because you know it's a pandemic, it needs to be sort of dealt with, people need to be gung-ho about it. And wahi hai ki like we need to also be, I guess, like in like we need to sort of think about how particular emotions also like reshape spaces. And I think again the emotion, if it's an emotion of, I don't know, like that I guess like sort of propagates a state solution, or like if it's an inherently sort of violent sort of emotion that's like reshaping a space, like that's very very troubling for me personally. I mean, main like again ye jo story Tuba ne mentioned ki of that man like killing that 7-year-old child because she was making too much noise, again like why, yeah, because like empathy, care, compassion are discouraged so much in our society, and because anybody who even offers it in terms of work and labor is not really seen as somebody who's like sort of making an investment in society. Yehi cheeze agar hum constantly shun karte rahenge, even more so during this pandemic, to matlab I worry for the world, and I worry for this country, and I worry like where we're going, quite honestly, about where we're going, sorry. Yeah, thank you Tuba and Zohra. I think you aap log kafi depth mein bhi gaye about the issue of care, and like sort of made it real for us, kyunki recently काफी developments हुई हैं जो जो शायद हर किसी को मालूम ना हो. But I think मैं जरा इस पे अब थोड़ा इसकी data side पे भी आना चाहूंगा. तो तुबा ने I think ये बहुत important point raise किया शुरू में, कि जो ये violence से related data है
ये क्या कभी आएगा, कभी इसकी कोई हमें परसेंटेजेस मिलेंगे, एंड विल दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन लॉ मेकर्स और द पीपल हु होल्ड पावर टू एक्चुअली चेंज थिंग्स? क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि द पार्ट अबाउट हैविंग दिस डेटा एंड प्रोसेसिंग दिस डेटा इज एंटायरली पॉलिटिकल, और ये जो पॉलिटिकल एक्ट है ये खाली पार्लियामेंट तक महदूद नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्ट ग्रास रूट तक भी ग्रास रूट से ही शुरू होता है. सो जोयास कंसर्न अबाउट ये जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स इम्पैक्ट हुई है, इससे जो इंटरेक्शन लोगों के साथ इम्पैक्ट हुई है वो भी इसमें काफी इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज ये जो जनरेशन ऑफ दिस डेटा है जो इवेंचुअली कोई यूटिलिटी इसकी हो सकती है, उसमें भी एक मुश्किल अब लोगों को पेश आएगी, और द पोलिटिकल प्रोसेस हैज ऑल्सो स्टॉप. आई थिंक अब जरा जरूरी है, क्योंकि हम थोड़ी कंक्लूजन की तरफ ही जा रहे हैं, सो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ केयर एंड सर्वेलेंस. क्योंकि हमारी एटलीस्ट काफी जो तादाद है दुनिया की वो अब इंटरनेट से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करती है. ये भी जरूरी है कि हम जरा देखें कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ज्यादातर यूएस स्टेटिस्टिक्स ही हैं क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ. बट लेट्स से लाइक रिसेंटली जब ट्रम्प ने कहा कि क्लोरॉक्स पी लें आप, स्पेसिफिकली नहीं कहा बट उसने ये लाइक कहा कि आपको डिसइनफेक्टेंट्स लेने चाहिए. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो रियलाइज कि खाली जो सोशल मीडिया से, जैसे यूएस में 2/3 ऑफ देयर पॉपुलेशन गेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, इसको आप जरा लाइक जोड़ें एक और फैक्ट से कि खाली 40% लोग हैं जो हेडलाइन से बियॉन्ड पढ़ते हैं. अब हम रहते एक लाइक सेंसेशनलाइज इंफॉर्मेशन एज में है, वेयर योर हेडलाइंस आर लिटरली देयर टू कैप्चर सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन, एंड यू कंबाइन दिस विद द सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल आर कंज्यूमिंग, तो ये एक और प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाती है, जहां मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल डिबेट, और जो बाय द वे हर किसी को इसमें एंगेज होना चाहिए, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एकेडेमिक्स और एजुकेशनिस्ट, वो भी अब लिमिट हो रही है क्योंकि ऐसी स्पेसेस अब क्रिएट ही नहीं हो रही, क्योंकि जो हम इस्तेमाल करते हैं जो प्लेटफॉर्म्स, वो आपको डालना ही एक स्पेसिफिक जोन में चाहती हैं, वो प्लेटफॉर्म्स चाहती हैं कि आप अपने जैसे आइडियाज से इंटरैक्ट करें, और जिसको आई गेस एक हद तक आज तो हम बात नहीं कर सकेंगे बट लोगों को सोचना चाहिए अबाउट सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एज वेल. तो अब रिसेंटली लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ केयर एंड इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, वो है अबाउट टेली हेल्थ. तो आई वुड लाइक कि आप लोग भी इस पे थोड़ा फोकस करें और जरा अपने आइडियाज दें कि जो लोगों का गवर्नमेंट्स का पाकिस्तान में पर्टिकुलरली और बाहर ममालिक में भी फोकस रहा है कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें, और बेहतर है कि आप टेली हेल्थ के थ्रू या ऑनलाइन मेडिकल हेल्थ के थ्रू आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें. नाउ इसमें कुछ मसाइल आते हैं, जैसे रिसेंटली एक ऐप जो है वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने प्रमोट की और कहा कि लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके अगर आप प्राइवेसी लॉज देखें उस एप्लीकेशन के, तो जो आपका प्राइवेट डेटा एंड पर्टिकुलरली आई थिंक जो हेल्थ रिलेटेड आपकी डेटाज हैं, दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड कैन हैव अ मैसिव इम्पैक्ट. ये हमें पता है कि ममालिक गैदर करते आए हैं, बट एप्लीकेशंस ये डेटा गैदर करके आपकी गवर्नमेंट को भी अंदाजा नहीं है, ये भी जरा हमें सोचना चाहिए कि वी आर स्टिल नॉट इक्विप्ड टेक्नोलॉजिकली टू डील विद दीज थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, तो वो डेटा भी जरा ट्रांसफर हो रहा है. इसके साथ साथ अगर आप देखें कि टेली हेल्थ पे जो अब ज्यादा फोकस बढ़ा है, ये भी एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें साथ साथ इन्वेस्टमेंट चल रही है, साथ साथ उनका फोकस डेटा के थ्रू ही अब होगा कि कौन सी पर्टिकुलर सोसाइटीज हैं, कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं जिन पे वो उनको बेनिफिट हो सकता है, जिन पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए. रिसेंटली मैंने पढ़ा कि टेली हेल्थ के इन्वेस्टमेंट इस हवाले से भी हो रही है कि ऑटोमेट किए जाएं कुछ प्रोसेसेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसका जो टाइम है वो मैक्सिमाइज हो विद द पेशेंट, एज अपोज टू कुछ ममालिक में 30% खाली हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपना टाइम पेशेंट्स को देते हैं. तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं. मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा इस पे अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है कि आगे हेल्थ केयर किस तरफ जा रही है, अगर ये स्ट्राइक्स डॉक्टर्स स्ट्राइक्स कर रहे हैं तो इसका कोई उनको बेनिफिट मिलेगा क्या,
टेक्नोलॉजी या डेटा के थ्रू उनको कोई मदद मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ देयर फ्यूचर फ्यूचर केयर वर्क. तुबा गो अहेड. I just feel there's a lot that can be done, but for that to happen, we need to develop a public healthcare system or a community healthcare system. Pakistan ke andar literally lady health workers ke alawa koi bhi is tarah ka nizam maujood nahi hai jisko aap keh sakein ki logon tak ye pahunchta hai. So telehealth agar shuru bhi ho jaye, unless you you know you actually center care in this process, there's not much that can be achieved. The purpose of there's a difference between treating a disease and public health care. So agar aap telehealth usi approach se develop kar rahe hain ki telehealth health to na hui, uska agar maqsad ye hai ki ek bimari hai aur us bimari ke bare mein aap batayenge aur us bimari ka ilaaj ho jayega, that doesn't really make for a great public healthcare system. Public healthcare system is very different than treating one disease per se. So I think iska fayda to tabhi hai ki how rooted this is, how people can reach it, marginalized areas mein kya is tak access mumkin hoga, nahi hoga. Phir uske baad jo undocumented log hain hamare Pakistan ke andar, hazaron afghan refugees hai, there's a big bengali population karachi mein sindh ke andar jinke paas nationality nahi hai, wo log kaise iske andar fall karenge, community outreach kaise hogi, kachhi abadiyon mein kaise kaise approach kar sakte hain wo telehealth ko. So I think all of these things matter for us in order to think ye kya ye usi class ko dobara cater kar raha hoga jo ke pehle se hi hospital jaake bhi afford kar sakte hain, jo pehle hi wo commodified privatized health care tak unka access maujood hai. So I think it also we have to look at like what is the approach of this telemedicine particularly in Pakistan, ki uska fayda kisko hoga, kya uska fayda sirf health care workers ko is tarah se hoga ki unka waqt bach jayega, kya uska fayda hospitals ko hoga ki unhein infrastructure pe us tarah paise lagane nahi padenge, ya uska fayda logon ko hoga aur public aur community health ko hoga. So I think all these factors will count in how you know what the future of telemedicine looks like, because telemedicine has been around for a very long time now. Yahan pe Pakistan mein ek acha khasa doctors ka jo number hai wo online baki mulkon mein, you know, outsource jaise kiya hota hai call centers, usi tarah outsource telemedicines ke liye kaam karte hain. I also worked for one back in the day which was a very interesting experience. But ek dentist matlab telemedicine ka kya kar sakta hai zyada, right? So it also depends ke iska मकसद क्या है और ये किस तरह हो रहा है. इट कैन बी ईदर वेज, ईदर एवरीथिंग कैन रिमेन द सेम और थिंग्स कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन आपकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द डिजीज एंड टुवर्ड्स द पॉपुलेशन हेल्थ. I mean, for me, because I'm not a health expert by any stretch of the imagination, मेरा तो ऐसा नहीं, मतलब मेरे लिए जो ज्यादा स्केरी इम्प्लीकेशन है वो डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से ही है, और वो भी एक ऐसे मुल्क में जहाँ मतलब हमारा जो मतलब नादरा है जो इदारा है, मतलब उसमें इतनी डेटा ब्रीचेस हुई हुई हैं और अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है हमारे मुल्क में. और अभी भी जो ये ड्राफ्ट पे लाए पिछले हफ्ते आया था, आई मीन द गुड थिंग इज के जो MOITT है, IT मिनिस्ट्री जो हमारी है, उन्होंने फीडबैक के लिए उसको रखा हुआ है, मतलब दे मेड इट ओपन फॉर कंसल्टेशन. बट लाइक उसमें भी मतलब इवन इन रिगार्ड्स टू लाइक मतलब जहां तक आपके डेटा की मतलब इरेजर की बात हो गई, और मतलब फॉर इंस्टेंस ये बात होगी, मतलब यूजुअली लाइक काफी मुल्कों में ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस प्राइवेसी कमीशन या अथॉरिटी होती है जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो मतलब डेटा ब्रीचेस वगैरह के केसेस जो हैं फिर उनको इन्वेस्टिगेट करती है. यहाँ हमारे लॉ में ये अभी जो इन्होंने प्रपोज किया उसमें एक अथॉरिटी जिसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बैठेंगे जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ IT, इंटीरियर मिनिस्ट्री के. सो मतलब अगेन लाइक डेटा प्रोटेक्शन जो एक मतलब बुनियादी हक के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज लाइक द राइट टू प्राइवेसी, अगर उसको भी आप नेशनल सिक्योरिटी पर्पस मतलब के उसे नैरेटिव के थ्रू मतलब आप उसको परसीव कर रहे हैं, या अगर उसको भी आप यही देख रहे हैं कि भाई जो पब्लिक बॉडीज हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं मतलब वो अनअकाउंटेबल रहेंगी, तो फिर सोचें कि जो मतलब हमारा मतलब जो हेल्थ केयर मतलब सर्विसेज हैं और जो हमारा डेटा कलेक्ट होता है उनके लिए, जो ऑब्वियसली मतलब काफी
लोगों का होता है, तो उसके लिए मतलब क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, कोई गरीब इंसान हो गया या कोई खातून हो गई या कोई इंसान हो गया जिसको मतलब एड्स है फॉर इंस्टेंस. अब उनकी इंफॉर्मेशन तो मतलब मैं तो नहीं देख सकती कि दिस वुड आई डोंट नो, अगर टेली हेल्थ की मतलब उसमें आएगी, मतलब इफ इफ दैट समथिंग दैट वी इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान टू इन अ लार्ज स्केल मैनर, तो मतलब आई डोंट सी आवर डेटा बींग सिक्योर इन एनी वे, और दैट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बींग सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूटेड इन व्हेन इट कम्स टू सच इनिशिएटिव. सो आई डोंट रियली नो, आई वुड पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग द सॉर्ट ऑफ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब जहां तक ये मतलब टेली हेल्थ इनिशिएटिव की बात है, एंड ऑल्सो जस्ट द लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ एसओपीज और डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज. ठीक, आई थिंक क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा है तो हम इसको कंक्लूड ही करते हैं। मुझे लगता है जो सब टॉपिक्स पे आप लोगों ने टच अपॉन किया, ये तो अपने से एक पूरी लाइव स्ट्रीम हो सकती है, इस पे हम इन डेप्थ जा सकते हैं। बट क्योंकि हमने कोशिश की कि थोड़ा सा एक ब्रॉड ओवरव्यू दें अपने आप को भी और बाकी लोगों को भी, तो होपफुली दिस विल मेक पीपल नॉट ओनली थिंक मोर, बट इसका एक जो मुझे लगता है जरूर इफेक्ट होना चाहिए वो है कि अपने डेटा को, जो आप जब ये डेटा लोगों को दे रहे होते हैं, वेदर इट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉरपोरेशंस, इसकी प्राइवेसी को आपको पढ़ना चाहिए, इनकी परमिशंस को आपको देखना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन कि आप इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या रिकरिंगली देख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप देखते रहें। और सेकेंडली कि आप जो भी डेटा आपको मिले, स्पेशली जो एक लार्ज सेट ऑफ डेटा हो, जो बिग डेटा हो, उसको एक क्रिटिकल आई से देखना और हेडलाइन से बियॉन्ड जरूर जाना और उनको एक सही तरह उनको एवेल्युएट करना। तो थैंक यू सो मच तूबा एंड जोया, आप लोग आज प्रोग्राम पे आए। WDF का भी बहुत शुक्रिया, और आई बिलीव जोया कर रही है थर्सडे को एक WDF का लाइव स्ट्रीम लेक्चर, तो लोगों को जरूर वो भी अटेंड करना चाहिए। आई एम श्योर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड या थैंक यू सो मच।